हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ स्टडी गुमला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम लोग मिल कर के एक साथ इस भाषा को सीखेंगे, इस शब्दावली को। जब तक हम लोग शब्दावली नहीं सीखेंगे तब तक हम इस खड़िया भाषा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग खड़िया भाषा सीखते हैं और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है, दीमक को खड़िया में कहते हैं दिया और चिमटी को खड़िया भाषा में कहते हैं चिमटी। दोस्तों याद करते जाएंगे, मधुमक्खी को कहते हैं दोस्तों तेरोम और सांप को कहते हैं दोस्तों, सांप को खड़िया भाषा में कहते हैं बुआंग और केंकड़ा को कहते हैं दोस्तों खड़िया भाषा में कंकड़ा और दोस्तों मेंढक को कहते हैं चोके बैंग, गिरगिट को कहते हैं दोस्तों हम लोग सुधरी भाषा में कहते हैं टेटिंगा, मच्छर को कहते हैं दोस्तों गुयुंडा, बिच्छू को खड़िया भाषा में कहते हैं दोस्तों बिच्छी और घोंघी को कहते हैं खड़िया भाषा में घोंघा को घोंघी कहते हैं, मछली को खड़िया भाषा में कहते हैं दोस्तों काडोंग और कछुआ को कहते हैं दोस्तों कुलू, कुलू टाइटल भी होता है दोस्तों, जोंक को खड़िया भाषा में कहते हैं दोस्तों एलवा और तितली को हम लोग खड़िया भाषा में कहते हैं फाम्फला, कीड़ा को खड़िया भाषा में कहते हैं तीजो और मकड़ी को कहते हैं दोस्तों, मकड़ी को खड़िया भाषा में कहते हैं मकरा और छिपकली को कहते हैं खड़िया भाषा में दोस्तों भितमाची और जुगनू को खड़िया भाषा में कहते हैं दोस्तों भाग जुगनी और खड़िया भाषा में रेशम कीट को कहते हैं उसार और ये है बंदरा, बंदरा को हम लोग क्या कहते हैं सातवा खड़िया भाषा में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।